परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. पात्रता: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक. बीई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी झालेल्यांसाठी उपयुक्त. या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं. ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआयडीसी वाई. मोबाईल 98-222-41-255. हॅलो फ्रेंड्स, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स चॅनल मे आप सभी का स्वागत है. हमारी कंपनी में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट के लिए डबल साइडेड पीसीबी यूज करके एक्सपेरिमेंटल बोर्ड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. ये बोर्ड्स डेमो वीडियो लिंक और एक्सपेरिमेंटल चार्ट के साथ सेल किए जाते हैं. साथ ही साथ हमारी कंपनी में रास्पबेरी पाई और आर्डुइनो यूनो का ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है. आज मैं आपके लिए आर्डुइनो यूनो बेस्ड एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ, जिसका नाम है डिजिटल स्टॉपवॉच यूजिंग आर्डुइनो यूनो. इसमें मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊंगी और इसका प्रोग्रामिंग कोड एक्सप्लेन करूंगी और इसका एक्चुअल डेमो भी दिखाऊंगी. तो ये वीडियो साइंस कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है. तो मैं हूँ अंकिता, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआईडीसी वाई. ये वीडियो साइंस कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है. ये वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करें, ऑल इस आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा. तो चलिए फिर देखते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच यूजिंग आर्डुइनो यूनो का कंस्ट्रक्शन. तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डिजिटल स्टॉपवॉच. अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. ये आर्डुइनो यूनो का बोर्ड है और ये ब्रिज बोर्ड है. यहाँ पर 3 स्विच कनेक्ट किए हैं. ये स्टार्ट स्विच है, ये स्टॉप स्विच है और ये रिसेट स्विच है. यहाँ पर रेड एलईडी कनेक्ट किया है और उसके सीरीज में एक 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया है. यहाँ पर एक ग्रीन एलईडी कनेक्ट किया है और उसके सीरीज में भी 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया है. यहाँ पर 5 वोल्ट का पीजो बजर कनेक्ट किया है. ये 10K का ट्रिम पॉट है. 16:2 का LCD डिस्प्ले है. इसके टोटल 16 पिन्स है. इसके फर्स्ट पिन को, मतलब ग्राउंड पिन को, आर्डुइनो यूनो के ग्राउंड पे कनेक्ट किया है. देन इसके सेकेंड पिन को, मतलब VDD पिन को, आर्डुइनो यूनो का 5 वोल्ट का सप्लाई दिया है. देन इसके थर्ड पिन को, मतलब VO पिन को, ट्रिम पॉट के सेंटर टर्मिनल पे कनेक्ट किया है. और यहाँ पर LCD के 4th पिन को, मतलब RS पिन को, आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 2 पे कनेक्ट किया है. देन इसके LCD के RW पिन को निगेटिव में कनेक्ट किया है और LCD के इनेबल पिन को आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है. देन यहाँ पर LCD के D4 पिन को आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया है और LCD के D5 पिन को आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 5 पे कनेक्ट किया है. नेक्स्ट यहाँ पर LCD के D6 पिन को आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 6 पे कनेक्ट किया है और LCD के D7 पिन को आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया है. नेक्स्ट LCD के बैकलाइट एनोड को पॉजिटिव में कनेक्ट किया है और बैकलाइट कैथोड को निगेटिव में कनेक्ट किया है. नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 10K का ट्रिम पॉट कनेक्ट किया है, जिसके 2 एक्सट्रीम टर्मिनल है. उसके एक टर्मिनल को पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, मतलब 5 वोल्ट आर्डुइनो यूनो का 5 वोल्ट दिया है और दूसरे एक्सट्रीम टर्मिनल को निगेटिव में, मतलब आर्डुइनो यूनो के ग्राउंड पे कनेक्ट किया है. देन यहाँ पर जो 5 वोल्ट का पीजो बजर कनेक्ट किया है, उसके पॉजिटिव को आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर यहाँ पर 13 पे कनेक्ट किया है और पीजो बजर के निगेटिव टर्मिनल को आर्डुइनो यूनो के ग्राउंड पे कनेक्ट किया है. नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रीन LED कनेक्ट की है, उसके एनोड पर एक वायर कनेक्ट की है, जिसको आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया है और उसके कैथोड पर एक 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया है, जिसको निगेटिव में कनेक्ट किया है. नेक्स्ट यहाँ पर एक रेड LED को कनेक्ट किया है, जिसके एनोड पर एक वायर कनेक्ट की है, जिसको आर्डुइनो यूनो के पिन नंबर 9 पे कनेक्ट किया है और उसके कैथोड में एक 100 ओम का रेजिस्टर डाला है, जिसको ग्रिड बोर्ड के निगेटिव में कनेक्ट किया है. नेक्स्ट यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और रिसेट बटन कनेक्ट किया है। स्टार्ट बटन के एक टर्मिनल को निगेटिव में कनेक्ट किया है और दूसरे टर्मिनल को आर्डिनो के एनालॉग इनपुट मतलब A0 पे कनेक्ट किया है। देन स्टॉप बटन के एक टर्मिनल को निगेटिव में कनेक्ट किया है और दूसरे टर्मिनल को आर्डिनो के A0 मतलब एनालॉग इनपुट A0 पे कनेक्ट किया है। देन थर्ड बटन मतलब रिसेट बटन, रिसेट बटन के एक टर्मिनल को निगेटिव में कनेक्ट किया है और दूसरे टर्मिनल को आर्डिनो के एनालॉग इनपुट मतलब A2 पे कनेक्ट किया है। ये USB टाइप बी का पोर्ट है, उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है और लैपटॉप का पावर सप्लाई आर्डिनो को जाता है और ये डिजिटल स्टॉपवॉच यूजिंग आर्डिनो का प्रोग्रामिंग कोड है। तो ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। तो अब मैं डिजिटल स्टॉपवॉच यूजिंग आर्डिनो का प्रोग्रामिंग कोड एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आर्डिनो इस आइकॉन पे क्लिक करती हूँ। मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा था। तो हम फर्स्ट लाइन देखते हैं, हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल इस लाइब्रेरी का यूज किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट लाइन है लिक्विड क्रिस्टल LCD 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब आर्डिनो के जो पिंस है वो LCD के इन पिंस पे कनेक्ट किए हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट लाइन है हैश डिफाइन BT_START A0, मतलब जो स्टार्ट बटन है वो आर्डिनो के एनालॉग पिन मतलब A0 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर हैश डिफाइन BT_STOP A0, इसका मतलब स्टॉप का जो बटन है उसको आर्डिनो के एनालॉग पिन A0 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट लाइन है हैश डिफाइन BT_RESET, मतलब रिसेट का जो बटन है उसको आर्डिनो के एनालॉग पिन A2 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट लाइन है हैश डिफाइन G_LED 8, इसका मतलब ग्रीन LED को आर्डिनो के पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट है हैश डिफाइन R_LED 9, इसका मतलब है रेड LED को आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 9 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पर देख सकते हैं हैश डिफाइन Buzzer 13, इसका मतलब है बजर को आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 13 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट लाइन है इंट HH0, MM0, SS0 और MS0, इसका मतलब HH मतलब आवर, MM मतलब मिनट, SS मतलब सेकेंड और MS मतलब मिली सेकेंड। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड सेटअप। वर्ड सेटअप में हम जब भी कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसे वो एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर LCD क्लियर, LCD सेट कर्सर, LCD प्रिंट वेलकम टू और LCD कर्सर 01। नेक्स्ट लाइन है LCD प्रिंट स्टॉपवॉच, मतलब LCD में सबसे पहले हमें वेलकम टू स्टॉपवॉच ये डिस्प्ले होगा और उसका डिले 2000 मिलीसेकंड होगा। 2000 मिलीसेकंड मतलब 2 सेकेंड। ये नो इंटरप्ट्स और इंटरप्ट्स के लिए ये प्रोग्राम दिया है। यहाँ पर वॉइड लूप है। वॉइड लूप में हम जब भी कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसे वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज किया है और स्टार्ट बटन के लिए, स्टॉप बटन के लिए और रिसेट बटन के लिए ये प्रोग्राम दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर इफ एल्स इस स्टेटमेंट का यूज किया है, मतलब ग्रीन LED और रेड LED कब हाई होगी और कब लो होगी इसके लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम दिया है। तो ये था डिजिटल स्टॉपवॉच यूजिंग आर्डिनो का प्रोग्रामिंग कोड। ये प्रोग्रामिंग कोड हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आप इसका यूज करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोग्राम में जैसे हमने वेलकम टू स्टॉपवॉच ऐसा प्रिंट लिखा था, टाइप किया था, ऐसे ही यहाँ पर LCD पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्ले में स्टॉपवॉच यहाँ पर 00, 4x00 है, मतलब फर्स्ट है आवर, सेकेंड है मिनट, थर्ड है सेकेंड और लास्ट है मिली सेकेंड। अब हम ये रन करके देखते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट बटन दबाती हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉपवॉच ऑन हो चुका है। देन नेक्स्ट में स्टॉप बटन पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉपवॉच स्टॉप हो चुका है। ये तीसरा बटन ये है वो रिसेट बटन है। अब मैं ये रिसेट बटन दबाती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब कुछ रिसेट हो चुका है। तो ये है डिजिटल स्टॉपवॉच यूजिंग आर्डुइनो यूनो का एक्सपेरिमेंट। आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, इसमें कोई डाउट या फिर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से संपूर्ण ऑटोमेटिक ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेयर सिस्टीम शाळा कॉलेज साठी अत्यंत उपयुक्त उत्पादक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई। फ्री डेमो साठी संपर्क 98 222 41 255।